मैं 6 साल का था 1996 में मेरे बच्चों के साथ खेल रहा था छत पे तो अचानक मैं खेलते खेलते 11,000 की मेन लाइन पकड़ ली जिसकी वजह से मेरे दोनों बाजू जल गए और बाजू काम नहीं करे। पहले तो 3 साल पूरे मेरे वेस्ट हो गए, फिर उसके बाद जब एजुकेशन शुरू की बग़ैर बाजुओं के तो डिफ़िकल्टीज बहुत थी, टीचर्स अपने पास बिठा के फिर वो चीज़ें मेरे लिए हल करते थे वो साथ बैठ के। पहले बहुत डिसहार्ट रहा इस चीज़ें हादसे के बाद, फिर डिफ़िकल्टीज आते रहे लाइफ में, फिर वो चीज़ एक्सेप्ट करना था लेकिन एक्सेप्ट किया। ड्राइंग का मुझे बचपन से शौक़ था और लोगों को अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता, इसलिए मैं ड्राइंग बना के उनको समझाता था दिखाता था। और इंटर के बाद मुझे यही लगा कि इसी फील्ड में जाऊँगा। मैं यहाँ से फैशन डिज़ाइनिंग की डिग्री कर रहा हूँ और मैं फर्स्ट सेमेस्टर हूँ। मेरा मैसेज सबके लिए यही है कि आप हिम्मत ना हारें, हिम्मत मर्दान तो मदद खुदा। थैंक यू टीवेट, थैंक यू स्टेप। मेरा ताल्लुक गुलमित गोजाल से, जो कि गिलगित से 3 घंटे के सफ़र पे। बचपन ही से मुझे शौक़ था, क्लास में कोई ड्राइंग वगैरह करना होता तो मेरा सही होता था उसमें, इसलिए टीचर्स ने भी अप्रिशिएट करना। स्टेप में आके मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया है, मेरी ग्रोमिंग हो रही है। स्टडी के बाद मेरा यही प्लान है कि मैं आगे जॉब करूँ और कुछ एक्सपीरियंस ले हूँ और उधर अपने गांव जाके उधर एक ट्रेनिंग सेंटर खोलूँ आर्ट्स के। मेरा पैगाम उन लड़कियों के लिए है जो दूर रहते हैं और आर्ट एंड डिज़ाइनिंग के लिए इंटरेस्टेड हैं, उनको चाहिए कि वो मेहनत करें और हिम्मत ना हारे। टेक्सटाइल में मुझे कलर्स और एम्ब्रॉयडरी बहुत पसंद है। गफ्त का शुक्रिया टीवेट वॉल स्टेप। जब मैं 4-5 साल की थी तो तब मुझे होता था लाइक पेरेंट्स मुझे टोकते थे, बोलते थे कि तुम क्यों लड़कियों के साथ खेलती हो, तुम नहा खेला करो, तुम लड़के हो और तुम्हें इस तरह लड़कियों के साथ खेलना अच्छी बात नहीं होती, तुम लड़कों के साथ खेलो। इंटरमीडिएट के बाद फिर जैसे फिर न्यूज़पेपर में एक आया हुआ था, एड आया हुआ था, उसमें मैंने देखा कि स्टेप इंस्टीट्यूशन ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन में कुछ शॉर्ट कोर्सेज आए हैं। तो जब मैं यहाँ पर आई और मैंने आके इधर का माहौल देखा और इतना कंफर्टेबल माहौल था। इंटरमीडिएट के बाद फिर मैंने 6 मंथ का वोकेशनल ट्रेनिंग डिप्लोमा था तो वो मैंने ज्वाइन किया और एक बहुत अच्छा इधर मुझे माहौल मिला। और उसके बाद यहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन थी नहीं थी, और फिर ये कि सबसे बढ़कर यहाँ पे मुझे कॉन्फिडेंस मिला। मेरा ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को एक बहुत लाइक उनके लिए बहुत ज़्यादा मैं उनको फोर्स ही करूँगी, उनको मैं बोलूँगी कि हाँ आप लोग आएँ और आप लोग इधर वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज करें। थैंक यू टीवेट एंड थैंक यू स्टेप कॉलेज। मैं 5 साल की थी तो मुझे टाइफाइड हो गया तो मेरी मामा ने मुझे बुखार में ही मुझे नहला दिया जिसकी वजह से फिर मुझे पोलियो हो गया। स्कूल में जब बच्चे फुटबॉल वगैरह खेला करते थे तो मेरा भी दिल करता था कि मैं भी फुटबॉल वगैरह खेलूं, उसमें पार्टिसिपेट करूं। बीए ग्राफिक डिज़ाइनिंग मैं यहां से कर रही हूं और ये मेरा सेकंड लास्ट सेमेस्टर है। 2015 में मुझे पता चला स्टेप कॉलेज का और मैंने यहाँ पे माइनॉरिटी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया और मुझे फिर यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल गई। मेरी स्टडी कंप्लीट होने के बाद मेरी विश है कि मैं एक अच्छी जॉब करूं और मेरा एक अच्छा मेयार हो और मेरी भी एक पाकिस्तान में अच्छी पहचान हो। मेरा स्पेशल पर्सन्स के लिए ये मैसेज होगा कि मुझे कभी मैंने हिम्मत नहीं हारी और आप सब भी कभी हिम्मत ना हारिएगा। थैंक यू टीवेट, थैंक यू स्टेप। ज़िंदगी मैंने ये सीखा है कि ज़िंदगी में अच्छा और बुरा वक्त भी आता है, उतार चढ़ाव भी आता है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैट्रिक के बाद मैंने आईकॉम किया और शुरू से मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी थी तो मैंने फिर आईकॉम के बाद आर्किटेक्चर फील्ड में जाना पसंद किया। हमारी ज़िंदगी में जो भी मसले मसाइल हैं इसके बावजूद भी हमें आगे बढ़ना। थैंक यू टीवेट एंड थैंक यू स्टेप।